बार फिर से हम मौजूद हैं टेरेस गार्डन पे, खूबसूरत टेरेस गार्डन है राहत जमाल जो बतौर रेस्टोरेंट चलाते हैं पटना में। और तस्वीरें आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत इनका टेरेस गार्डन है, सभी तरह के प्लांट्स मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं। इंडोर प्लांट की बात करें तो कई वैरायटीज़ के इंडोर प्लांट हैं, आउटडोर प्लांट हैं, साथ ही ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी नज़र आ रहा है। राहत जी, कहा जाता है ये काम तो बुज़ुर्गों का है, आप यूथ होकर कैसे ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये काम जो है गार्डनिंग का शौक़ जो है वो किसी भी उम्र पे डिपेंड नहीं है और किसी भी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर यूथ हैं तो अगर इसको करते हैं तो ज़्यादा बेहतर से करेंगे और नए तकनीक से करेंगे। तो इनको हर इंसान को करना चाहिए, ये बहुत अच्छा शौक़ है और अपने घर का शौक़ है। घर पे अपने कीजिए, गार्डन पे कीजिए, किचन में छत पे कीजिए, फ्लोर पे कीजिए, कहीं भी कर सकते हैं और ये बहुत सुकून देता है। आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें बहुत लाइफ जो टफ हो गया है, ये करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा और सुकून मिलेगा तो नेचुरली है कि आपकी लाइफ लॉन्ग होगी और ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है। कौन कौन से पौधे हैं मैं तो जानता हूँ लेकिन दर्शकों को घुमा दीजिए थोड़ा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटियाँ लगी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हेयर की तरह जो है ये एक तरह का प्लांट है, सेक्युलेंट है और ये स्टोन पे होता है, ठीक है, ये इंडियन नहीं है, ये बाहर से मंगाया गया है, तो इसकी ये ब्यूटी है। वैसे मैं बहुत सारे टेरेस गार्डन में पटना में गया हूँ लेकिन शायद संभवतः ये पहली बार मैं ये पौधा देख रहा हूँ और हो सकता है कि मेरी नज़र पहली बार नहीं, ये थोड़ा सा रेयर है और अब कॉमन हो रहा है, धीरे धीरे लोग इसको जब जान रहे हैं, मंगवा रहे हैं तो इसको अपने गार्डन में ऐड करते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन और जैसे, हाँ जैसे लग रहा है कि ये बाल है और बहुत बहुत प्यारा है। जब मैंने मंगाया था तो काफ़ी छोटा था, अब तो काफ़ी ग्रोथ कर चुका है। मैंने देखा था तो मुझे लगा कि ये मतलब प्लास्टिक का तो नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं कि नेचुरल है। और देखिए, ये नीचे से ड्राई होता जाएगा, ऊपर से नए नए लीफ आते जाएंगे, ये इसका बस इसी तरह से ये ग्रोथ होता है। गमला में कितना लंबा तक जा सकता है? मुझे लगता है कि ये, हाँ ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा और पूरा ग्राउंड, अगर ग्राउंड में लगाएंगे तो पूरा ग्राउंड कवर करता है। इसलिए देखिए बहुत ही खूबसूरत और अलहदा मैं कहूँगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम बालू की तरह। और ये एडेनियम तो कॉमन सा पटना में होगा, एडेनियम तो कॉमन सा पटना में होगा लेकिन इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। अभी तो फ्लावरिंग का सीज़न ऑफ हो गया तो आपको देखते हैं कि डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न, बहुत सारे कलर हैं। तो ये एडेनियम है, देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा के रखा है और ये इसका जो रूट है किस तरह से ये हमने अपने घर में खुद से तैयार किया है, मदर प्लांट है मेरे पास। ये इसका मदर प्लांट से बेबी प्लांट कैसे बनाते हैं? मेरे पास भी है लेकिन सीड से होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ जो इस तरह से हुआ है ट्यूब की तरह, ये पूरी तरह से सीड्स है इसके अंदर, ठीक है। ये ब्राउन होगा और जब धीरे से जब वो खुल जाएगा इसका ये, तो वो बीज लगाने के लिए तैयार है और उसको आप ना सैंड में उसको लगाएं और ना 15 या 20 दिन में उसमें से नए नए छोटे छोटे प्लांट आ जाएंगे। तो उसी से मैंने ये तैयार किया है, मदर प्लांट मेरा उस तरफ है। ये देखिए, ये जैसे ये माल्टा का प्लांट है, संतरे का, ऑरेंज का एक वैरायटी है, ये माल्टा है, इसको भी हमने बाहर से मंगाया है क्योंकि ये वैरायटी इंडियन नहीं है, यहाँ होता ही नहीं है। दो तीन फ्रूट्स आए थे इसमें लेकिन झड़ गए अभी क्योंकि प्लांट अभी छोटा है। और ये आपको प्लांट है, ये क्या बोलते हैं उसको, नाशपाती, ये प्लांट आपका नाशपाती का है समझे। अभी देखिए सन बर्न हो गया थोड़ा सा ये, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए नए लीव्स आ रहे हैं तो अभी प्लांट छोटा है, इसी वजह से थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। छोटे से पॉट में लगा है, बाकी आप देख सकते हैं एडेनियम मैंने और भी बहुत सारा छोटा छोटा ग्रो करके रखा है, ठीक है। और ये आपका उड़ू है, अच्छा लगता है, आमतौर पर उड़ू कहा जाता है, लाल होता है लेकिन ये पीला उड़ू है, पिंक है, बहुत सारी वैरायटी है। अभी तो फ्लावरिंग हुआ था बहुत सारा और अभी बरसात की वजह से बहुत सारा गल गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये चंपा है, ये चंपा है और रेड चंपा है
जनरली आप वाइट चंपा देखने को मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल रेड है। देख सकते हैं फ्लावरिंग हो रही है यहाँ, और वाइट चंपा भी हमारे पास है। ये देखिए, ये स्टार फ्रूट्स है। छठ पूजा वगैरह होता है तो उसमें आप देखते होंगे स्टार की तरह एक फ्रूट्स होता है, ठीक है ना, तो वो स्टार फ्रूट्स है। अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं आया है, हालांकि सीजन है लेकिन अभी आया नहीं है। और ये भी एक प्लांट चांदनी का प्लांट है, ये भी डोरेफ्ट वैरायटी है, ये बाहर का आउट ऑफ इंडिया का वैरायटी है। इसका फ्लावर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा स्मेल है। तो अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। वो आप देख सकते हैं, हम यूनिक प्लांट एक यहाँ लगाएं। ये जो आप ये लत्तर जो देख रहे हैं, ये खिक्सा का प्लांट है। करेले की तरह जो होता है, जो मार्केट में बिकता है एक सब्जी है खिक्सा, वो खिक्सा मैंने यहाँ लगाया सीड से। तो ये अभी बरसात जब शुरू हुई है तो अभी ये ग्रोथ कर रहा है, और लगता है कि 20 दिन 25 दिन के बाद में जब फ्लावर वगैरह आने लगे हैं, फ्रूट भी आएगा। ये देखिए, ये भी यूनिक प्लांट है, इसको बोलते हैं बेबी टियर। आप देख सकते हैं इसका लीव जो है कितना स्मॉल है, कितना छोटा छोटा इसका लीव्स है। हाँ, ये एक तरह का सो प्लांट है और फुल्ली इंडोर है, इसको सनलाइट पसंद नहीं है। इसको टियर बेबी प्लांट बोलते हैं, टियर बेबी प्लांट। फाउंटेन कहाँ से खरीदा आपने? ये एक्चुअली है क्या कि ये हमने खरीदा नहीं है, हम लोग ने बनाया है इसे। ये मछली का जो बॉक्स आता है ना, जिसमें वो पैक करके मार्केट में आते हैं, उसका बना हुआ है और सीमेंट का बना हुआ है। आजकल यूट्यूब पे जो दिखाते हैं बहुत देसी जुगाड़ से फाउंटेन बनाए, वहीं से सिखाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं भी किसी भी जगह से आप सीख सकते हैं, सीखने का कोई जगह नहीं होता है, और वहीं से यूट्यूब से ही हमने सीखा है। तो ये छोटे ये वाटर कैबेज है, ये वाटर प्लांट है एक तरह का। ये पीछे रूट है और ऊपर में लीव्स वगैरह है, और धीरे 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 ये ग्रोथ करता रहेगा, एक से दो, दो से तीन। तो ये इसको वाटर कैबेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है देखने में, अगर ये भर जाए तो बड़ा खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मौसम अभी शुरू हुआ है, जाड़ा में ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अभी शुरू हुआ है और पूरी तरह से भर जाएगा, कि जितने ही बड़े एरिया में लगाएंगे पानी में, और पूरी तरह से फैल जाएगा, ये कवर कर लेता है वाटर के जो ऊपर के सरफेस को पूरा कवर कर लेता है। तो ये भी ऑक्सीजन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। अच्छा लग रहा है, मतलब पानी के ऊपर ना अगर भर जाएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, मैं इमेजिन। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे आपके गार्डन में दिख रहा है कि कई यूनिक पौधे हैं आपके पास है। मैं ऐसे टेरेस गार्डन जाता रहता हूँ, लेकिन आपके पास बहुत सारे यूनिक से पौधे, कहाँ से? मतलब आप पटना के नर्सरी से मंगवाए या आप कहीं बाहर जाते हो वहीं से लाते हो? नहीं, बाहर जाते नहीं हैं, और अमेजोन एक साइट है, इस पर आप इजिली किसी तरह का भी प्लांट आप मंगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लॉस होता है, क्योंकि कुछ पौधे आते हैं बिल्कुल मरे हुए, कुछ पौधे आते हैं फ्रेश। तो अब रहा कि आपको जब बाहर की वैरायटी चाहिए तो थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये अनानास का प्लांट है, पाइनएप्पल। हाँ, पाइनएप्पल का प्लांट है। तो अभी फ्रूटिंग नहीं आया है, एक साल हो गया, और एक साल के बाद फ्रूटिंग आने लगता है, लेकिन हो सकता है कि अभी नहीं आया, अगले सीजन में आएगा। ये मतलब एक ट्राई, एक प्रयोग कर रहे हैं। ये एक प्रयोग है, इसलिए कि यहाँ तो यहाँ के इन्वायरमेंट में तो पाइनएप्पल तो ग्रो करता नहीं है, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो हो सकता है फ्रूटिंग भी हो। कि जो गार्डनिंग करते हैं वो पौधों के साथ प्रयोग भी करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, चीकू है, और ये 18 इंच के गमले में मैंने लगाया है। फ्रूटिंग भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रोथ कर चुका है, यहाँ भी देख सकते हैं आप ग्रोथ कर चुका है। और फ्रूट ऑलरेडी पहले से है, और फिर नए नए फ्रूटिंग्स भी हो रहे हैं, देखिए आप, ठीक है। तो ये प्लांट जो है, ये बीट से जनरेट नहीं है, ये कटिंग करके बनाया गया है, तो इसलिए इसमें फ्रूटिंग्स हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं गुआवा है, अमरूद, यहाँ फ्रूटिंग्स हो रहा है। प्लांट अभी बहुत छोटा है, इसलिए बहुत सारे फ्रूट्स इसमें आए थे, लेकिन निकाल दिए, इसलिए कि इतना छोटा प्लांट में ज़्यादा लोड देना सही नहीं है, इसलिए हम दो
चार पांच जो फ्रूट्स है उसको रखें, बाकी सारा निकाल दिए। खर्चा खर्चा हाँ, यहाँ आप ये देख सकते हैं करी लिप्स है, करी लिप्स बॉक्स में लगाया मैं एक पेंट के डब्बे में, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है आप देख सकते हैं। ये भी देखिए, ये एप्पल बेर है, ये जो आप देख रहे हैं ना एप्पल बेर है, और इसमें पिछले साल बहुत सारा फ्रूट्स आया था, बहुत सारा फ्रूट्स आया था, इस साल भी फ्रूट्स आया था, लेकिन सारा फ्रूट्स हमने निकाल लिया क्योंकि प्लांट जो है ना वो हेल्दी नहीं हो पा रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है फ्रूटिंग की वजह से, इसलिए इस साल मैंने फ्रूट्स निकाल जी। आप अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा रखने के लिए क्या करते हैं, मतलब किस, क्योंकि इतना कुछ ऐसा पेस्टिसाइड वगैरह या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्लांट की लाइफ ज़्यादा दिन नहीं होती, क्योंकि इम्यूनिटी पावर से वीक हो जाता है, वो किसी तरह का मौसम चेंज होगा तो वो इफ़ेक्टेड होगा। नेचुरल चीज़ इस्तेमाल किए, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई, ठीक है, और राइस हस्क हो गई। आजकल देखिए होता क्या है ना कि बहुत बड़ा इशू है कि गमले में जो प्लांट है वो ठीक है, आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है कि लोग को नॉलेज नहीं है कि गमले में प्लांट को उगा तो लेते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं करा पाते हैं, 2 महीने 4 महीने के बाद वो धीरे धीरे पत्ता पीला होगा और प्लांट डेड हो जाएगा, तो असल बेसिक नॉलेज वो नहीं है क्योंकि उसमें ड्रेनेज जो है गमले में जो ड्रेनेज होना चाहिए वो ड्रेनेज अभी का नॉलेज है ही नहीं कि पानी डालें तो पानी का फ्लो कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए राइस हस्क मैं इस्तेमाल करता हूं और पैरोट मैं बहुत सारा पाला हूं, तो एग्जॉटिक पैरोट है सब, वो भी बाहर का ब्रीड है, तो वो धान खाता है तो उसका जो ऊपर का जो सेल निकलता है उसको राइस हस्क बोलते हैं, वो मैं सारा कलेक्ट करके रखता हूँ और मैं इस्तेमाल करता हूँ, गमले में 1 इंच 2 इंच नीचे डालता हूँ पहले, उसके बाद फिर मिट्टी फिल करता हूँ, फिर उसके बाद फिर प्लांट लगाता हूँ। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी पानी आप उसमें डालेंगे मिट्टी से सारा फिल्टर होते हुए राइस हस्क के थ्रू सारा बाहर निकल जाएगा और कहीं पानी स्टॉक नहीं होगा तो प्लांट नेचुरली है कि नमी बनी रहेगी तो प्लांट हेल्दी रहेगा और फ्रूटिंग्स भी अच्छा होगा। रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल सरल है, ऐसा कुछ समझने की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टफ है। हाँ, आपने शुरू में कहा था कि ओल्ड एज लोग करते हैं, नए जनरेशन ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि भारी गमला मिट्टी उठाना इधर करना उधर करना बार बार उठना बार बार बैठना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, यंग जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें, अपने शौक को पूरा करना है। 10-5-20 रुपये में सीड्स मिलता है मार्केट में फ्लावर का और वेजिटेबल का, आप इजीली गमले की भी ज़रूरत नहीं है, घर में पुराना बर्तन कंटेनर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अभी रिसेंट अभी जो जाड़ा जो अभी बीता है उसमें हमने टमाटो लगाया था और बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, मुश्किल से 10 या 12 प्लांट होंगे, इतना सारा फ्रूटिंग्स हुआ था कि मुझे लगता है कि 1-2 बार ही मुझे मार्केट से लाना पड़ा, बाकी सारा मेरा नीड जो था वो उसी से पूरा हो रहा था। मैं पूछूं कि टेरेस गार्डनिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है तो क्या कहेंगे आप? पीस सबसे बड़ा फ़ायदा, मन की शांति और मन का सुकून। आज के लाइफ में किसी के लोग चले गए, किसी का बिजनेस चला गया, किसी का कुछ, सब लोग परेशान है, कोई भी खुशहाल नहीं है, और ये कुछ काम ऐसा करें अपने लाइफ में ऐड करें ताकि आपको वो पल सुखी दे, आप उसको महसूस करें, आप खुश रहें, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये करने से आपको एनवायरनमेंट में भी बेनिफिट होगा, ऑक्सीजन मिलेगी आपको, ग्रीनरी होगा और अच्छा लगेगा। देखिए मैंने अपने छत पे जब ये शुरू किया, ऐसे तो मेरा ये जो पैशन है मेरा बचपन का है, तो काम धाम की वजह से मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो फिर मैंने इसे चालू करने का सोचा, तो होता क्या है कि धीरे धीरे चालू कर दिया, और चालू यहाँ छत पे सारा कुछ डेवलप करने के बाद ना यहाँ पर बर्ड्स वगैरह बहुत सारी आने लगी, नई नई बर्ड्स जो मैंने अभी पहले कभी अपने टेरेस पे नहीं देखा था,
और आप देख सकते हैं वहाँ देखिए मैंने नेस्ट भी लगाया है बर्ड्स के लिए। देखिए वहाँ ऊपर में तो बर्ड्स तो आके अभी इसमें रहना शुरू नहीं किए, लेकिन स्क्वायरल जो है गिलहरी वो आप देख सकते हैं कि रहना चालू कर दिए वहाँ। चलिए, ये राहत जमाल जीते हैं, पटना में यूथ हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं और वक्त निकालकर घर पर ही टेरेस गार्डनिंग करते हैं। टेरेस गार्डन इनका ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन खूबसूरत बहुत है, कई रेयर प्लांट्स भी देखने को मिले। फिलहाल छोड़े जाते हैं इनके टेरेस गार्डन के कई विजुअल्स के साथ।